हेलो एवरीवन हम रीड कर रहे थे चैप्टर सिक्स ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास सेवेंथ और हम आ गए थे अपने लास्ट पार्ट पे लास्ट टॉपिक पे जो है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स तो लेट्स रीड इन द दिक्कसटीन एंड सेवेंटीन सेंचुरी यूरोपियन कंट्रीज़ वर सर्चिंग फॉर स्पाइस एंड टेक्सटाइल विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया तो सिक्सटीन और सेवनटीन सेंचुरी की बात की जा रही है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सर्च कर रही थी अच्छे स्पाइसेस के लिए मसालों के लिए और टेक्सटाइल के लिए और उनकी ये सर्च पूरी हुई हमारी वेस्ट uh, एशिया के कंट्रीज़ में और हमारा जो भारत है वो बहुत ही फेमस था इन दोनों चीज़ों के लिए स्पाइसेस के लिए भी और uh, टेक्सटाइल के लिए भी द इंग्लिश डच फ्रेंच फॉर्मड ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन ईस्ट इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफ़ार एंड वर्जी वोरा हु ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पलीटेड कम्पीटिड विद देम, तो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी कम्पीट किया जो फॉरेन की जो कंपनी थी डच हो या फ्रेंच हो उन्होंने या ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने एक्सपेंड किया अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ाई इंडिया में और इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने उनको कंपटीशन दिया हाउ एवर द यूरोपियन कंपनीज यूज़ देयर नेवल पावर टू गंट्रोल ऑफ द सी ट्रेड एंड फोर्स इंडियन ट्रेडर्स टू वर्क एज एयर एजेंट जो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कंपनीज हैं उनकी उन्होंने अपनी नेवल पावर का यूज़ किया यानि अपने शिप्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए वो लाए और ट्रेड रूट्स को उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की अल्टीमेटली द इंग्लिश इमर्ज द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट और अल्टीमेटली अंतिम रूप से क्या हुआ कि इंग्लिश जो थे उन्होंने अपने आप को सक्सेसफुल कर लिया वो सक्सेसफुल रहे आ, अपना कमर्शियल और पॉलिटिक पॉलिटिकल पौ, पौ, पावर दिखाने में हमारे सब कॉन्टिनेंट पर यानी उन्होंने पूरी तरह से भारत पर अधिकार कर लिया था द स्पर्ट इन डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल टू लेट द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट ऑफ स्पिनिंग वीविंग ब्लीचिंग डाइंड एक्सेट्रा तो uh, क्योंकि टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी तो टेक्सटाइल के साथ साथ और भी जो क्राफ्ट था चाहे वो स्पिनिंग हो वीविंग हो ब्लीचिंग हो या डाइंग हो जो कपड़े को बनाने में पूरी ये स्किल लगती हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए थे मोर एंड मोर पीपल आर टेकिंग दैम अप इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड और इंडियन टेक्सटाइल के जो डिज़ाइन थे वो लगातार रिफाइंड होते जा रहे थे हाउ एवर दिस पीरियड ऑल्सो सो द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट दे नाउ बिगेन टू वर्क ऑन सिस्टम ऑफ एडवासिस विच मेंट दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू यूरोपियन एजेंट्स तो यूरोपियन एजेंट्स जो थे इंडिया में स्किल्ड लेबर उनको मिल जाती थी और वो मनचाहा कपड़ा यहां से टेक्सटाइल यहाँ से बनवाते थे और उसके बाद है दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ एडवांस विच मेन्ट दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विच वॉज ऑलरेडी प्रोमिस्ड टू द यूरोपियन एजेंट्स वीवर नो लोंगर हैड द लिबर्टी टू सेलिंग देयर ओन क्लोथ और वीविंग देयर ओन पैटर्नस तो अब जो थे क्योंकि यूरोपियन ट्रेडर्स के हाथ में सारा ट्रेड आ गया था तो वो अपना मनचाह कपड़ा मनचाहहा डिज़ाइन जो है वो बनवाते थे वीवर्स थे वीवर के पास अब कोई लिबर्टी नहीं रही थी कोई आज़ादी नहीं रही थी कि वो अपना मन मर्जी से कुछ भी बनाए दे हैड टू री प्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाईड टू दैम बाय द कंपनीज एजेंट कंपनी के जो एजेंट्स होते थे यानी जो ट्रेडर्स होते थे यूरोपियन uh, वो जो जैसे डिज़ाइन कहते थे उनको वैसे ही वीव करने पड़ते थे बनाने पड़ते थे क्योंकि उनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट टाइप वो करके रखते थे तो दैट इज वाई दे हैव टू प्रोड्यूस द क्लोथ विच दे वॉन्टेड द एटींथ सेंचुरी सो द राइज टू बॉम्बे कलकत्ता मद्रास विच आर नॉडल सिटी टूडे तो तीनों ही सिटीज़ जो हैं आज बहुत ही बड़ी सिटीज़ के रूप में हैं भारत में और जो एटीन सेंचुरी है आ, में इनका राइज हुआ था क्यों क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अपनी जो फैक्ट्री लगाई थी वो इन्हीं तीनों प्रदेशों में लगाई थी कौन कौन से बॉम्बे कलकत्ता एंड मद्रास विच आर नॉडल सिटीज टुडे क्राफ्ट एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिजन वर मूवड इनटू ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश्ड बाय यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़ और इन न्यू सिटीज़ में एक हिस्सा ऐसा था जिसको ब्लैक टाउन का नाम दिया गया और ब्लैक टाउन में रहता कौन था जो क्राफ़्टसन्स थे वो ब्लैक ब्लैक टाउन में रहा करते थे द ब्लैक्स और द नेटिव ट्रेडर्स एंड द कराफ्ट वर कन्फर्म कन्फाइंड हेयर वाइल द वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंसीज ऑफ द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकटा तो अब वाइट्स का जब इंडिया पर अधिकार हो गया गोरों का जब अधिकार हो गया तो उन्होंने क्या किया जितने भी इंडियन क्राफ्ट पर्सनस थे या स्किल्ड पर्सन्स थे उनको एक एरिया दे दिया गया जिसको कि ब्लैक एरिया बोला जाता था और जितना भी अच्छा एरिया था या जो शहर का मेन एरिया था वो उन्होंने अपने आप ऑक्यूपाई कर लिया क्योंकि वो सुपीरियर था वो उनको शहर के बाहर का हिस्सा दिया और जो मेन सिटीज़ में उनके फोर्ट हुआ करते थे और सेंट जॉर्ज और सेंट विलियम जो है ऐसे ही दो फोर्ट्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स इन एटीन सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर तो ये जो है क्राफ्ट और कॉमर्स mm, की जो स्टोरी है जो अंग्रेज़ों ने क्या किया इंडिया में किस तरह का व्यापार किया वो आप नेक्स्ट uh, क्लास में रीड करने वाले हो दिस इज़ ऑल अबाउट और ये वॉस्को डिकामा की छोटी सी स्टोरी दी हुई है वो आप खुद ही रीड uh, आउट करेंगे ये पहले यात्री थे जिन्होंने जो भारत में आए थे तो सी uh, के ज़रिए तो ये था आपका चैप्टर नंबर सिक्स आपको बैक एक्सरसाइज करवाई जाएगी नेक्स्ट पार्ट में तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू तो मी गुड बाय